ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं संतान योग में बाधा के ऊपर। कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से संतान नहीं होती, और जो व्यक्ति चाहते हैं सामान्य रूप से हमारी भारतीय संस्कृति में वंश वृद्धि के लिए पुत्र संतति का विशेष जोर दिया जाता है, पुत्र का होना वंश वृद्धि के लिए। तो कन्याएं हों तो हर व्यक्ति चाहता है कि एक पुत्र अवश्य हो ताकि वंश वृद्धि वंश बेल चल सके। कौन से कारण है जिनसे कन्याएं ही कन्याएं होती हैं, पुत्र संतति नहीं हो पाती? सामान्य रूप से क्या कारण हो सकते हैं? सामान्य रूप से इसलिए बोल रहा हूँ, यदि जन्म कुंडली है तो कुंडली का विश्लेषण करके उस बात का पता चलाया जा सकता है, लेकिन सबके पास जन्म कुंडली नहीं होती, और ये समस्या तो उनके साथ भी हो सकती है, वो क्या करें? और इस मामले में अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग कई बार भटकते हैं, इधर उधर बहुत परेशान रहते हैं, और उन्हें कभी ये समस्या तो कभी वो समस्या बताई जाती है, और कितने ही सब निदान कराने के बाद भी उनकी कामना पूर्ण नहीं हो पाती। तो ज्योतिषी विश्लेषण करते हैं, मान लीजिए जन्म कुंडली अगर है और संतान नहीं हो रही तो कौन से कारण हैं, ज्योतिषी कारण क्या है? ज्योतिष में पंचम स्थान को संतान भाव कहा जाता है, पंचम स्थान से संतान का विचार किया जाता है। यदि पंचम भाव का स्वामी शनि हो और पंचम भाव पर शनि का प्रभाव हो, एक तो प्रभाव शनि का उस घर का स्वामी होने से ही हुआ, फिर उसी घर में शनि देव विराजमान भी हो, या फिर पंचम स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो, या फिर जो पंचम भाव का स्वामी कोई और ग्रह अगर है और वो शनि की युति में है, वो शनि के पूर्ण प्रभाव में है, शनि के नक्षत्र में है, तो भी शनि चूंकि विलंब के कारक हैं इसलिए संतान में विलंब करेंगे, संतान होने में ही विलंब होगा। यहाँ केवल विलंब की बात हो रही, विलंब होगा लेकिन संतान होगी अवश्य, लेकिन कई जगह संतान होती ही नहीं, उनमें क्या कारण बनते हैं? सूर्य, शनि और राहु, यह तीनों ग्रह पृथक्तावादी प्रभाव रखते हैं, जिस भाव पर प्रभाव डालते हैं उस भाव के सुखों से वंचित कर देते हैं। यदि ये तीनों ग्रह सूर्य, शनि और राहु ये पंचम भाव को प्रभावित करते हों, प्रभावित करने से तात्पर्य या तो इस भाव में स्थित हों या फिर इस पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हों, तो भी ये संतान के अभाव को बतलाते हैं। अब और दूसरे कारण, पंचम का स्वामी वो भी यदि इनके प्रभाव में हो, इनके साथ युति में हो या इनकी दृष्टि में हो, तो भी संतान में संतान के न होने के योग बनते हैं। सामान्य दृष्टि से अगर देखा जाए, हमारी जो परंपरा है ये मान के चलती है कि वंश वृद्धि उसमें हमारे पितरों का यानि हमारी पूर्व के पितरों का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है आपके संत किसी भी जातक के संतान होने ना होने के ऊपर। ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, जो पितृदोष बोला जाता, पितृदोष है क्या? पितृदोष यदि हो तो भी संतान में अभाव की स्थिति बनती है। दूसरा, जो कुल के देवी देवता हैं यदि वो किसी कारण से असंतुष्ट हैं, उनका मान सम्मान होता कैसे है? समय समय पर उनको याद करना, उनका पूजन करना, यह पितृकुल के देवताओं की आकांक्षा रहती है, और इस कारण से यदि वो नाराज हैं तो भी संतान नहीं हो पाती। दूसरा एक कारण और बनता है, और वो बनता है पुरुष का स्त्री का संयोग, दोनों के संयोग से गर्भाधान होता है और उसमें पुरुष का बहुत योगदान होता है।
शुक्र की स्थिति यदि कमजोर हो, सारा दारोमदारी उस पर टिका हुआ है, वो यदि कमजोर हो तो भी गर्भाधान नहीं हो पाता। जन्म कुंडली में शुक्र यदि सूर्य के साथ स्थित हो, सूर्य बलि हो और शुक्र कमजोर हो, सूर्य के साथ युति में हो और 4-5 डिग्री तक का अंतर हो, मान लीजिए कि सूर्य 20 डिग्री के और शुक्र 25 तक, या तो 20 के 20 के हों, 19 के हों, 21 के हों, 22 के हों, इसका तात्पर्य हुआ कि वो शुक्र अस्त हैं। और शुक्र यदि अस्त है, क्योंकि इतने निकट होने पर सूर्य शुक्र को जला देता है, और शुक्र का जलना, पुरुष का सारा दारोमदार शुक्र पर टिका होता है, और शुक्र ही कमजोर है, तो फिर गर्भाधान होगा कैसे? आप एक टेस्ट करके देखिए, आप अपने किसी परिचित मिलने वाले की जन्म कुंडली और उसमें संतान यदि ना हो रही, या फिर कन्या संततियां अधिक हैं, पुत्र संतति नहीं हो पा रही, तो आप जन्म कुंडली में देखिए, उनके शुक्र और सूर्य की युति मिलेगी, युति और उनमें अंशों में निकटता मिलेगी। ऐसी स्थिति में आप उनका मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए, स्पर्म काउंटिंग उनकी संतोषजनक नहीं आ पाएगी। यदि ये प्रूव हो जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य से आयुर्वेदिक उपचार लेना चाहिए। एक सामान्य सा उपचार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो आपकी इस बीमारी में, इस कमजोरी को दूर करने में बहुत कारगर है, वो है लौंग का तेल। वो आपको आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। सामान्य से गुनगुने जल में एक बूंद लौंग का तेल, वो सवेरे, और यदि कमजोरी ज़्यादा महसूस होती हो तो शाम को भी, या तो एक बार या दो बार, ये आप दीजिए। 1.5-2 महीने तक निरंतर देना चाहिए और 1.5-2 महीना संयम रखना चाहिए। थोड़े दिन में, ये 1.5-2 महीने में, जो शुक्र के में जो स्पर्म काउंटिंग की जो कमी है उसको पूरी कर देगा। कोई भी आयुर्वेदिक उपचार भी लिया जा सकता है, यह भी एक सहायक हो सकता है, पुत्र संतति न होने पर कारगर हो सकता है। दूसरी एक बात और, सामान्य दृष्टि से तो ज्योतिषी चर्चा की मैंने अभी, लेकिन मान ली जन्म कुंडली ही नहीं, उस स्थिति में क्या करें? सूर्य और शुक्र की युति है और शुक्र कमजोर यदि है, सूर्य के साथ सूर्य बलि, जैसे सूर्य मित्र राशि के हों, स्वग्रही हों, उच्च के हों, और फिर उनके साथ शुक्र अंशात्मक युति में हो या 2-3 डिग्री तक निकट हो, तो वो स्पर्म काउंटिंग में कमी बताएंगे, शुक्र की कमजोरी इस बात से पता चलेगी। फिर आप एक व्यवहार में एक चीज़ देखेंगे, उम्र के हिसाब से पुरुष में जो स्टेमिना, जो ऊर्जा एनर्जी होनी चाहिए, उसकी कमी ऐसे पुरुषों में पाई जाएगी। ऐसा यदि है तो आप ये समझिए कि वो शुक्र की कमी उससे प्रमाणित हो रही है। ऐसी स्थिति में ऐसे पुरुषों को नियमित रूप से कोई भी आयुर्वेदिक ढंग का उपचार लेना चाहिए, दूध नियमित रूप से लेना चाहिए, ताकि शुक्र की स्थिति बलवान हो, और ये शुक्र की स्थिति बलवान होने पर जो कमी, कमजोरी महसूस करते हैं, उसमें कमी आ जाए, वो कवर हो जाए। शुक्र, शुक्र का और बलि होने के लिए क्या कर सकते हैं? शुक्र को सूर्य पीड़ित कर रहे हैं, इसीलिए तो शुक्र कमजोर हुए। फिर क्या करें? सूर्य की शांति, सूर्य यदि शांति हो, शांत होंगे तो शुक्र को कम नुकसान पहुंचाएंगे। शुक्र पीड़ित हैं, वो कमजोर हैं, शुक्र का कोई मंत्र जप करेंगे हम तो शुक्र को बल मिलेगा। शुक्र को बल मिलने से शुक्र की कमजोरी दूर होगी, तो भी इस समस्या के निदान में हमको मदद मिलेगी। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से सूर्य उपासना करनी चाहिए, सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना चाहिए, आदि तृतीय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, किसी भी सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। ये करेंगे तो सूर्य की शांति होगी, सूर्य शांति
सूर्य की शांति शुक्र को कमजोर कम करेगी, कमजोर शुक्र को जो पीड़ा पहुंचा रहे हैं उसमें कमी आएगी, उसमें कमी आएगी शुक्र बलि होंगे तो भी समस्या का समाधान होगा। शुक्र मंत्र का नियमित जप करना चाहिए, ओम द्रांग द्रेंग द्रोंग सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का नियमित जप किया जाना चाहिए स्फटिक की माला पर। इससे शुक्र बलि होंगे, शुक्र बलि होंगे तो शुक्र के कमजोर होने के कारण जो स्थिति बनी हुई है उसमें सुधार हो जाएगा। दूसरी बात, संतान नहीं हो रही अर्थात वंश वृद्धि नहीं हो रही, तो ग्रह स्थिति की बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं पितृ दोष की। जन्म कुंडली में यदि सूर्य राहु का संयोग हो, राहु से सूर्य को ग्रहण योग लगता है और सूर्य पिता का कारक है, पितृ कुल के कारक है सूर्य देव, वो जब पीड़ित होंगे तो वो एक तरह से पितृ दोष को या पितृ पक्ष की कमी को इंडिकेट करते हैं। ऐसी स्थिति में भी सूर्य उपासना और राहु की शांति यह आवश्यक है। जन्म कुंडली हो या न हो, अगर लंबा समय बीता है और भी समस्याएं पितृदोष के कारण, और भी कई समस्याएं क्या, व्यापार में, काम धंधे में, घर की सुख शांति में, सामान्य रूप से जो सुख संतोष की स्थिति रहनी चाहिए पितरों की अशांति होने पर वह नहीं रह पाती, इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि वो विधिवत शांति करवाएं राहु की और नियमित सूर्य उपासना करें। अपने पितरों को जो भी परिवार की परंपरा है उसके अनुरूप पितरों का स्मरण करें, उनका ध्यान पूजन करें, तो ये जो समस्या है संतति वाली इसमें सुधार की पोजीशन बनेगी। गर्भाधान के लिए सामान्य सी अवस्था, स्त्री पुरुष के पति पत्नी के संसर्ग से गर्भाधान होता है और उसी से पुत्र जन्म होता है। स्त्री में जो दो गुण सूत्र पुरुष के और दो गुण सूत्र स्त्री के, स्त्री में एक्स और एक्स ये गुण सूत्र होते हैं और पुरुष में एक्स और वाई ये दो गुण सूत्र होते हैं। यदि गर्भाधान के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का भी एक्स ही सूत्र प्राप्त हुआ है स्त्री को, तो कन्या संतति का जन्म होगा। स्त्री का एक्स और पुरुष से वाई सूत्र प्राप्त हुआ है तो पुत्र संतति का जन्म होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि संतान का पुत्र या पुत्री होना वो पूर्ण रूप से पुरुष पर ही आधारित है, उसी पर निर्भर करता है। एक्स ऑक्स एक्स मिलने पर कन्या संतति का जन्म होता है, एक्स और वाई मिलने पर पुत्र संतति का जन्म होता है, और स्त्री में तो वाई गुण सूत्र होता ही नहीं है। स्त्री में, स्त्री के पास दो जो गुण सूत्र दोनों ही एक्स हैं, पुरुष ही है जिसके पास एक्स भी है और वाई भी है। और सामान्य रूप से हम क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी को, किसी विवाहिता स्त्री को कन्याओं का ही जन्म हो रहा है तो परिवार में सामान्य रूप से उसी को दोष दिया जाता है कि कैसी स्त्री, कैसी बहू हमारी, लड़कियों ही लड़कियों को जन्म दे रही है, जबकि उसमें उसका कोई दोष ही नहीं है, उसका कोई इसमें कहाँ दोष, उसका पुरुष जो पुत्र संतति को जो जन्म देने के लिए जिसकी आवश्यकता है वो तो डिपेंड ही पुरुष पे करता है, और उसकी कमजोरी उससे वो सूत्र ही प्राप्त नहीं हो रहा है तो पुत्र संतति का जन्म होगा कहाँ से। इसलिए अगर ऐसा है तो भी वो लौंग का तेल वो मदद कर सकता है, कोई भी आयुर्वेदिक उपचार लेना चाहिए और उस शुक्र की कमजोरी को दूर करना चाहिए, ये मददगार हो सकता है। ये अवस्थाएं हमने ग्रहों के आधार पर चर्चा की। अब एक और बहुत बड़ा सूत्र आप थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आसपास नज़र घुमाइए, किसी भी ज्ञान का, किसी भी चीज़ का तब तक कोई मोल नहीं है जब तक वो अनुभव में खरा नहीं उतरता।
इसीलिए तो अनुभव का मोल है। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते जिनकी उम्र हो जाती उनका दिव्य सलाह का इतना मोल क्यों होता है? इसलिए होता है कि उन्होंने अपना समय दिया, और जीवन में यदि कुछ मूल्यवान है तो वो है समय। किसी भी चीज़ को पढ़ना सुनना ये तो हो सकता है आसानी से, लेकिन उसका कोई मोल नहीं जब तक वो अनुभव पे खरा नहीं उतरता। तो आप एक चीज़ देखिए आसपास, आपको नज़र डाल के देखेंगे तो अनुभव हो जाएगा। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण है बीच में, वो ईशान कोण कहलाता है, और उस कोण में किसी दोष का होना वह भी पुत्र संतति में बाधक बनता है। क्या है वहाँ पर दोष का होने से तात्पर्य? वह कोण कटा हो। कटा होने से तात्पर्य, मान लीजिए दक्षिणी भुजा 50 फीट की है और उत्तरी भुजा उस प्लॉट की वो 50 से 2-3 फीट कम है, तो पूर्वी ईशान कट जाएगा। प्लॉट की पश्चिमी भुजा 50 फीट की है और पूर्वी भुजा 50 से 2-3 फीट कम है, ईशान कोण की तरफ कम हो रहा है, नैश्चित्य कोण 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन में ईशान कोण कट जाएगा, या ईशान कोण का कटना, या फिर उतना पार किसी भी तरह से कट के निकला होना, यह पहला दोष जो कवर हो ही नहीं सकता। दूसरा, उस स्थान पर लेट बाथ बनी हो, उस कोने में सेप्टिक टैंक हो, वहाँ पर वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हों, वहाँ पर रसोई हो, ये अवस्था, ये निर्माण में अगर इस तरह बना हुआ है तो ये भी संतान प्राप्ति में बाधक बनता है, पुत्र संतति में बाधक बनता है। अगर प्लाट कटा हुआ है और प्लाट ही यदि है उस पर निर्माण करना है, तो जो ईशान कोण कटा हुआ है उसको निकाल करके, अर्थात जितनी पूर्वी भुजा है उतनी पश्चिम की बना लेना चाहिए और निर्माण करना चाहिए, या जितनी भुजा जितनी लंबाई उत्तरी भुजा की उतनी ही दक्षिण की करके निर्माण करना चाहिए, ताकि ईशान कोण कटा हुआ ना हो। लेकिन मकान तो बना हुआ है और इस तरह से छोटा है, ईशान कोण कटा हुआ है, फिर उपचार संभव नहीं। और उसी जगह मैंने ऐसे कितने ही मकान देखे जिनमें ईशान कोण में उत्तर और पूर्व के कोने में वहीं से सीढ़ियां ऊपर गईं, उसी कोने में सेप्टिक टैंक है और वहीं लेट बाथ बने हुए हैं, और परिणाम ये देखा, ईशान कोण वो ज्येष्ठ पुत्र का कारक है, आग्नेय कोण वो छोटे पुत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी स्थिति में ज्येष्ठ पुत्र के संतान नहीं होगी। यदि वो मकान ले लिया विवाहित किसी पुरुष पत्नी ने और संतान है और उस मकान में शिफ्ट हो गए, या फिर विवाह हुआ बेटे का बड़े का छोटे का, बड़े बेटे को संतान नहीं हो पाएगी। दूसरा, और कारण क्या हो सकता है? और कारण हो सकते हैं किसी भी प्रकार के, कहीं पर भी किसी देवता का श्राप, किसी भी देवता की कहीं कोई मान्यता, मान के कहीं भी गए जाकर के कुछ भी बोला, किसी भी तरह का संकल्प किया और कार्य होने के बाद उसको पूर्ण नहीं किया, तो वो भी कई बार संतान वंश वृद्धि में बाधा का कारक बनता है। यदि कोई ऐसी स्थिति है तो उसको भी पहुंच करके पूर्ण करके क्षमा मांग प्रार्थना सहित कर लेना चाहिए। ये यदि हम उपचार करते हैं तो जो बाधाएं आती हैं संतान पक्ष के मामले में उनसे बचा जा सकता है। उपचार बहुत आवश्यक है। वो जो वास्तु वाला जो मैटर है, वो जो है जहाँ पर मकान में भवन में, अगर मान लीजिए कि वो निर्माण दोष उस तरह का है, उसको तोड़ के निकालने के अलावा कोई उपचार नहीं होता। सामान्य दृष्टि से कहते हैं कि हमारे मकान में इस तरह की पोजीशन है, ईशान कोण में है उस तरह की बात, और ये समस्या देख रहे हैं। ईशान कोण की ये केवल पुत्र संतति में ही बाधक नहीं होते, और भी कई समस्याएं देती हैं। ईशान कोण के अंदर रसोई का होना आर्थिक उन्नति में भी बाधक बनता है। फिर
जो पूछते हैं कि इसका कोई समाधान बता दीजिए, और समाधान के नाम पर वो जो चलता है, यहाँ पर ये टांग दो या ये लगा दो या तुलसी रख दो, ये कर दो वो कर दो, ये जो टोटकेबाजी हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई दावा करते हैं, दावा तो करते ही हैं सब, आप करके देख लीजिए, लेकिन मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ कि उन टोटकेबाजियों से इन दोषों के निवारण में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही उपचार है उसका, उस दोष को वहाँ से हटाना पड़ेगा। पड़ने से क्या तात्पर्य है? यदि वहाँ रसोई है, वहाँ से रसोई को हटाना पड़ेगा। यदि वहाँ लेट बाथ बने हुए हैं, तो लेट बाथ को वहाँ से हटाना पड़ेगा। यदि वहाँ सेप्टिक टैंक है, तो सेप्टिक टैंक को वहाँ से हटाना पड़ेगा। यही उपचार होता है, और कोई उपचार नहीं होता। यह भी बहुत आवश्यक है। और सारे उपादान, कई बार देखा कि मेडिकल दृष्टि से, चिकित्सकीय दृष्टि से देखा जाए, टेस्ट करवाए जाए, तो पति पत्नी में कोई कमी नहीं, दोनों परफेक्टली ठीक हैं, फिर भी गर्भाधान की स्थिति नहीं बन पा रही। क्यों? कुछ तो कारण है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो वहाँ फिर ये बाधाएं हैं क्या? या तो ये वास्तु मकान में इस तरह से दोष, ईशान कोण में कोई दोष हो सकता है, या फिर पितृदोष, पितरों की असंतोष, उनका नाराज होना। उस दृष्टि में राहु की शांति, सूर्य की शांति और पितरों का पूजन, ये सहायक हो सकता है। आप चैनल से जुड़े, आपने वीडियो देखा, आप सब्सक्राइब करके सहयोग दें, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका जीवन सुखमय हो, इसी कामना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।